हां जी कितना फिर दिस इज यश, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है हमारी होम वर्कआउट सीरीज की पहली वीडियो। घर पे वर्कआउट करने के लिए यू ओनली नीड इज दीज बैड बॉयज। अभी जो हालात है यूपी में लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पूरे इंडिया में लॉकडाउन रख देना चाहिए और आपको जिम जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। हम घर बैठ के आराम से बॉडी बना लेंगे। अगर आपके पास तीनों इंटेंसिटी के रेजिस्टेंस बैंड है, लाइट मीडियम हैवी, फिर चाहे आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, कोई भी एक्सरसाइज आप कितनी भी हैवी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वॉन्ट टू गो टू जिम राइट नाउ एंड यू डोंट नीड टू। वी कैन बिल्ड मसल एट होम। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है बैंड से ट्रेन करके और आप जिम को बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। हम थोड़ा सा इनोवेट करके कोई भी एक्सरसाइज जिम वाली उतनी इंटेंसिटी से घर पे करेंगे। और जो लोग अभी सोच रहे हैं एक्सरसाइज करने का या फिर जिन्होंने आज तक एक्सरसाइज नहीं करी है, गो एंड बाय दोज रेजिस्टेंस बैंड राइट नाउ। दिस इज द परफेक्ट टाइम, लॉकडाउन है। गिव सम टाइम टू योर बॉडी, गेट इनटू एक्टिव लाइफस्टाइल, ईट हेल्दी फॉर लाइफ। इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी और ऐसे डेडली डिजीजेस से आपको बचाता रहेगा ये हमेशा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला दिन है आर्म्स डे, मिलते हैं मेरी छत पे। मैंने अपना वर्कआउट बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, ये दिखाने के लिए कि जो प्रोग्राम मैं जिम में फॉलो करता हूँ वो मैं यहाँ भी फॉलो कर सकता हूँ। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है आज की रेप्लिका ऑफ इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। जो मूवमेंट आपका इंक्लाइन डंबल कर्ल्स में आता है वही मूवमेंट हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए। ऊपर बाइसेप में पूरा कॉन्ट्रैक्शन और नीचे हाथ एकदम स्ट्रेट, तभी हमारा मूवमेंट सेम आएगा इंक्लाइन डंबल कर्ल्स वाला। अब लोगों को प्रॉब्लम रेजिस्टेंस बैंड में यहाँ आती है कि उनसे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड नहीं किया जाता। हम यहाँ पे इजीली प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हैं, या तो दो बैंड यूज़ करके या फिर रेजिस्टेंस बैंड की लेंथ छोटी करके। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो रेजिस्टेंस बैंड लिए हैं सेकंड सेट या थर्ड सेट में भी। तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है ट्राइसेप के लिए पुली पुश डाउन की रेप्लिका। कोई भी एक लकड़ी की स्टिक ले सकते हैं और अपने रेजिस्टेंस बैंड्स को ऊपर टांग दे और ये एक्सरसाइज आप बहुत इजीली परफॉर्म कर पाएंगे घर पे। इसमें चाहे आप दो या तीन या चार जितने भी बैंड्स ले लें अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने ड्रॉप सेट किया, पहले तीन बैंड से, फिर दो बैंड से और फिर फाइनली एक बैंड से, और मेरे ट्राइसेप्स एकदम पंप मार गए। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है रेप्लिका ऑफ डंबल बाइसेप कर्ल्स। आप देख सकते हो कितना अच्छा लोड आ रहा है इसमें, वेन्स आर पॉपिंग, फ्लेक्स पोजीशन में बाइसेप एकदम फूली हुई है। अगर इस एक्सरसाइज में आपको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है तो आप इजीली बैंड की लेंथ छोटी कर सकते हैं अपनी लेग्स से, और वहीं ड्रॉप सेट के लिए अगर आपको वेट कम करना है तो आप पैर से बैंड की लेंथ कम कर सकते हो। इट्स दैट ईजी टू मैनेज वेट्स विद रेजिस्टेंस बैंड। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वेटेड क्लोज ग्रिप पुशअप्स। आपको बैंड को कमर में फंसा के नॉर्मल पुशअप्स करने हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लोड आने वाला है अगर आप सही फॉर्म से लगाएंगे तो। यहाँ पे मैंने तीनों सेट के लिए तीनों डिफरेंट लेवल के बैंड यूज़ करे एंड ट्रस्ट मी, लास्ट सेट में मेरा ट्राइसेप फट के बाहर आने वाला था, इतना लोड था। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रेप्लिका ऑफ पुली रिवर्स कर्ल, और उसके लिए हम बैंड को ऐसे सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद टेक अ वुडन स्टिक एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग रिवर्स कर्ल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो बैंड्स लिए हैं ताकि लोड ज़्यादा आए। पहले सेट में मैंने एक ही बैंड लिया था, तीसरा सेट मैंने इनका ड्रॉप सेट किया क्योंकि इस एक्सरसाइज में मसल बहुत छोटी यूज़ होती है तो यहाँ पे हम तीन बैंड्स यूज़ नहीं कर पाते। हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है ट्राइसेप एक्सटेंशंस। इसको हमने वैसे ही सेटअप किया है जैसे हमने पुली पुश डाउन में सेटअप किया था, बट इसका मूवमेंट ऑब्वियसली डिफर करेगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो मेरे ड्रॉप सेट की है। पहले मैंने 12-13 रेप दो बैंड से निकाले और फिर मैं फेलियर तक गया सिंगल बैंड से। हमारी सातवीं एक्सरसाइज है आज की 2-in-1 कर्ल्स, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट बाइसेप एक्सरसाइज है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है हैमर और नॉर्मल कर्ल्स का। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपकी आर्म्स की सारी मसल ट्रेन हो जाती है तो ये मेरे प्लान में ज़रूर रहती है।
इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज विद द बैंड्स जस्ट लाइक द नॉर्मल कर्ल्स. ऊपर आते वक्त नॉर्मल कर्ल्स की तरह एक्शन परफॉर्म करना है और नीचे जाते वक्त रोटेट करके हैमर कर्ल की तरह एक्शन परफॉर्म करना है. इस एक्सरसाइज में बहुत इजीली वेट इंक्रीज कर सकते हैं बाय शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ द बैंड और यूजिंग हैवियर बैंड. So we are finishing our arms day with lying tricep extensions. ये हमारी आठवीं एक्सरसाइज है. इसमें हमने थोड़ा देसी जुगाड़ यूज़ करा है. जो फोल्डिंग या मंजी मेरे छत पे ऐसे ही पड़ी रहती है उसका मैंने पहली बार अच्छा यूटिलाइजेशन किया है. मैंने यहाँ बैंड को डबल करके पीछे से बांधा है जिससे बैंड की लेंथ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई और लोड बहुत ही हैवी लग रहा था. इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में फॉर्म एकदम परफेक्ट नहीं है क्योंकि फोल्डिंग थोड़ा अनस्टेबल है और आर्म्स पूरे पीछे तक नहीं जा रहे थे, बट लोड काफ़ी अच्छा आया फिर भी ट्राइसेप पे. सो वी आर रैपिंग आवर वर्कआउट हेयर बाय दीज बैड बॉयज 3 different bands एंड आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. From the workout, it was insane and tiring workout. आपने pumps देखे होंगे मेरे bicep में, vascularity, it was insane. तो वैसे तो मैंने दिखाई दिया है how you can increase or decrease the resistance intensity by resistance band. टेंशन नहीं लेने का, हम घर पे बैठ के ही बैक, चेस्ट, लेग सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं और एकदम हैवी इंटेंसिटी से करेंगे. कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी जिम मिस नहीं करेगा. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी आप रेप्लिका नहीं कर पा रहे रेजिस्टेंस बैंड से, मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा. सो स्टे होम, बाय दोस रेजिस्टेंस बैंड एंड गेट एन इनसेन वर्कआउट. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डू फॉलो दिस वर्कआउट एंड लेट मी नो. वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग.